नहीं, शादी के बाद। तो कर लेना शादी। तुम्हारे खेत में लगा गन्ना है क्या? काटा और खा लिया। हम एक दूसरे को जानते हैं कितना है, 2 महीने भी नहीं हुए हमें मिले हुए। 2 महीने में तुमने 2 जन्म जितना जान चुका हूँ मैं डोली। अब और नहीं जानना यार। ना तेरे घर वाले मानेंगे ना मेरे। घर वाले कैसे कितने अचार डालना उनका। सोनू सुरावत नाम है मेरा। एक बार बोल दूंगा ना डोली की डोली मेरे घर ना, तो टेरेंट के नीचे लेट जाऊंगा, तेरा पैर पकड़ के ले आवेंगे। अच्छा, और मेरे फौजी पापा? तो हमें क्या फंगस लगी है, क्या कमी है? पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूँ। हाँ ठीक है, हार गया क्या बात होगी, हार जाते बड़े बड़े लोग भी। अगली बार का दावेदार मैं मानना जा रहा हूँ, और पीछे भी 20 लाख का गन्ना भी बच्चा है। एक बार पापा ने जोर से डांट दिया ना, तो गन्ने के रस की तरह गीले हो जाओगे। रज्जा, पापा डांट देंगे। पता डोली, पूरी दुनिया में एक तू है जो मुझे हल्के में लेती है। भाई गॉड, हमारे खेत में जितना गन्ना उपजता है ना, उससे कहीं ज्यादा कट्टा बंदूक उपजता है डोली। किसी बहम में मत रहियो। अरे हरियाणा का हूं मैं, ये गिल्ला होने की बात करियो मत मेरे सामने। पापा ने डांट दी। यस सोनू। ओ जीजा जी, ओ आई एम सॉरी, आई होप यू वोंट माइंड कॉलिंग। अरे नहीं, कैसी बात है, माइंड क्या है? राजू जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, जैकेट बहुत अच्छी है आपकी। अच्छी है? हाँ हाँ, तू रख ले। अरे नहीं नहीं, रख ले। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? रख ले, कोई बात ना, घर की बात रख ले। थैंक यू। फिट आएगी? आ जाएगी, देखिए वेट लूज कर रहा हूँ। पापा है घर पे? हाँ है ना पापा। हाँ पापा, ये सोनू शेरावत है, डॉली दी के फ्रेंड, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। राम राम पापा जी। हाँ नमस्ते। हाँ और डॉली के बारे में बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात करनी है? बोल दीजिए बोल दीजिए। और डॉली से शादी करना चाहता हूँ मैं। क्या क्या? डॉली से शादी करना चाहता हूँ मैं। शादी की बात करने आया ब्लडी सिविलियन, आउट आउट। क्या हो रहा है पापा? यदि दीदी का कंसेंट है तो हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस? बट स्टिल पापा, शट अप। इसके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, खुद आया शादी की बात करने ताबूत की तरह, आउट। ये बदतमीजी क्यों कर रहे इतनी? वो ज्यादा धूप लगती है ना तो बीपी बढ़ जाता है, ऐसा अक्सर। बाहर फेंको इसे। मम्मी पापा ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हैं, सोनू मेरा फ्रेंड है। आई नो बेटा, लेकिन मम्मी आई है। जी राम राम मुझे। हाँ ठीक है मम्मी, कोई बात ना। बेटा तुम अपने मम्मी पापा को लेके आओ, मेजर साहब से मैं बात करती हूँ, ठीक है? कर लो आप बात, कर लो जो करनी है। फिर हम भी भिखारी ना है, वैसे जमींदार लोग हैं। अभी गए साली 20 लाख का गन्ना बेचा है। पॉलिटिक्स में भी हूँ मैं, पार्षद के चुनाव में था पिछली बार, और चाहता ना आपकी छोरी को नूबा के ले आता, तो मैंने कहा रहने दो, चलो पापा जी हट हो जाएंगे। पर पापा जी तो भाई धरती फोड़ रहे हैं है? बहुत इज्जत दी आपने। अच्छा जी राम राम। जी जी आपकी जैकेट रख ले। थैंक यू जीजा जी। राम हरा राम रे, इब ना होता हमारे से घर का काम, करवा ले अपनी मर्तिया से। कुछ दिन और सबर कर, अगले लगन में मैं तेरे लिए। लगन में के करेगा? हमारे लिए सौत लाएगा? तेरे तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ बहू लाऊंगा, तू सुन रही है सौत लाऊंगा। आप लोग बिना मतलब लड़ाई करते रहोगे बस, पता नहीं डोली कैसे एडजस्ट करेगी इस माहौल में। डोली ओए, तेरा काम तेरी शादी में सेरा बांध के घोड़ी पे चढ़ के बैठना होगा, गिरना मत, बाकी सब कुछ तू अपने इस बाप पे छोड़ दे, सब कुछ। पापा शादी तो मेरी डोली से होगी, और जो ना हुई ना तो जहर खा के मर जाऊंगा मैं, फिर बिठाना मेरी लाश ने अपनी घोड़ी पे। धमकी देने वाले मरते नहीं है। तो धमकी दे रहा हूं मैं है? ठीक है फिर आज मैं करके दिखाओ। अभी बताओ छोरे, हट जाओ आप। आज ये पेशेंट पी के ना मैं किस्सा खत्म करूं, फिर बाद में तो बोलना आपके बुढ़ापे की लाठी ने सुसाइड कर ली। ठीक है पीले 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 पर लैंड ड्रॉप करते करते मैं छोड़, पर ढक्कन नहीं खोलेगा या मुंह में भी उड़े लेगा, और देख ले फिर तुम्हें पियो भी। तेरा बाप आज भी उस उम्र में है ना, तेरे जैसे 10 बेटे पैदा कर सकता है। दिमाग चल गया थारा, एक ही छोरा है हमारा, इसने कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगी थारे जैसे खसम के साथ। ऐसे सुपुत्र से तो बेटा ना होना भला। ओ जा यार, जहां मर्जी कर ले तू, तो शादी तो करनी है पर आप लोगों को चलना पड़ेगा ना मैं बात करने के लिए। अब बोलो ना इनको, फिर तैयार हो जाएंगे, धोती में थोड़ी जाओगे ऐसे। ले जा इसको गोदी में, ले जा। ला मैं रख के आऊं। ना ना छोड़, रख के आ रहा हूं मैं।
हाँ मम्मी वो मैं करता, फिर जुलाई में तो फिर बारिश शुरू होगी ना, तो उससे पहले शादी कर लेंगे। थम जा छोरे, थम जा, इतनी जल्दी ठीक नहीं है। पहले मेजर साहब से थोड़ी जरूरी बात तो कर ले। जरूरी बात है राजू, ब्रीफकेस। ये जो राशि है वो मेरी डॉली के लिए जमा करके रखी हुई है। अरे नहीं पापा जी, ना ये ना लेंगे हम, गलत बात। ओए तू बीच में मत बोला कर। वैसे मेजर साहब कितने हैं? आपको कौन दे रहा है? ये तो मेरी बेटी और मेरे दामाद के लिए दे रहा हूँ। गिफ्ट है छोटा सा। 29 को अच्छा लगन है जी, उस दिन इन दोनों की शादी करा सकते हैं। 29 बढ़िया। अरे वाह। लो जी फाइनल। और एक काम करूंगा मैं ना, वो कुकी भाई ने बोल के ना ऑर्केस्ट्रा मंगा लूंगा साथ में। ओ बहुत अच्छा, उसका बढ़िया। पूरे हरियाणा को बुला ले तू। माता जी खुश हैं? बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। सही बात है जी, सही बात है। हाँ सब साथ में रहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेजर साहब के साथ। मेजर साहब आ जाओ। स्माइल प्लीज। हेलो, 1 2 3 1 2 3, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। अरे जीजा जी, राजू कितना गया था? बस यही था। जैकेट देखो लग रही है ये। पिटागी? हाँ मैंने ऑल्टर करा है। ओ लाल कोट। ओ खड़ा। हाँ खड़ा जी भाई जी। सुन देख, तेरे ससुराल वाले ना ये फौजी बैकग्राउंड के, आर्मी, ठीक है? अरे घर वाले देख रहे, मेरी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी है। अरे साला मेरा राजू है। हेलो छोटा, भी तो इंट्रोडक्शन देखना मेरा पूरा। जी जी, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ओके सर, आई गॉट इट। है आई गोइंग, यू वाचिंग? तो जो देगा ना ये पूरा इंग्लिश में देना है, ठीक है? चल जा और बात ठीक कर, चल। और तुम अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, आ जा। Dear brother, father, mother and sister, today is happy day. Our friend brother Sonu Sarawat is marrying to our friend sister Dolly. So please, clapping. हाँ तो भाई और बहनों, हमारे अपने सोनू भैया की शादी के लिए खास तौर पर पेश है वो हसीन मोहतरमा, जिसके सामने न चलता है फिल्मी दुनिया का फैशन और न ही चलता है आप जैसे दीवानों का पैशन। तो भैया दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आ रही है आपके मन को लुभाने आपकी अपनी मिस रागिनी, 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 रागिनी। खत्म खत्म मुजुबान,
मस्त साथ अब रातें कटेंगे बिना करे कोई बात। 440 मुझ में करंट झटका मारे बैक और फ्रंट। सिग्नल क्लियर बाबा स्टेशन में। सुपर डुपर टेस्ट तेरा 26 बेस्ट तेरा पेपर जैसे वेट तेरा 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 फास्ट भूले जाए मैं तू जल्दी बोले बाय भी तू करते बुरा हाल भी तू मेरा 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 ये फैशन में टॉपू फैशन में ओठू लौंडो की हो। जीतू मैं वैसी बहू नहीं हूं जो केवल अपने पति को दूध दूंगी, मैं सबको दूध दूंगी। सोनू के बापू तू यहाँ के कर रही है? सोनू वहां थारा इंतजार कर रहा होगा, जा। के जी माँ, आपके लिए दूध लाई हूँ। जीतती रहे। और सुन छोरी, जेवर मने दे दे, आजकल बकट ठीक ना है। जी तो मिल गया लाइसेंस पप्पी लेने का, हैं? दूध पी लो। आज की रात भी दूध ही पिलाओगी के? पी लो ना, नहीं तो पछताओगे। मैं पछताऊंगा, तू पछताएगी आज की रात। सारी जिंदगी पिया, आज भी पी लूंगा। आज नहीं, मैंने एकादशी का व्रत रखा है हमारे लिए। तो? अरे भगवान बुरा मान लेंगे। अरे 12 तो बज के दिन खत्म हो गए ना। हम 24 घंटे के लिए व्रत रखते हैं, 12 घंटे के लिए नहीं। अरे तो चीटिंग है यार डोली। सो जाओ सोनू, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा एक पप्पी तो लेने दे। मैंने कहा ना, मैंने व्रत रखा है। मैंने आज सारी जिंदगी का व्रत तोड़ना था, व्रत रख लिया। अच्छा कोई बात ना, टर्न तो कर ले। गुड नाइट सोनू। अच्छा टच तो कर लूँ। सोनू गुड नाइट। डोली, 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 अरे पापा, रे खड़े, रे खड़े हो? अरे पापा खड़े हो, डोली ना मिल रही, खड़े हो, अरे डोली ना मिल रही, खड़े हो जाओ। गला क्यों मार रहा है? टेंशन हो रही, डोली ना मिल रही। अरे यहीं कहीं होगी। अरे ना सब देख ले, खड़े हो। माँ आप भी पहले इसकी शादी करो, फिर बाद में इसकी औरत ढूंढो। अरे देख यही। अरे यहीं कहीं ना है वो कुतिया, भाग गई अपने किसी यार के साथ। अंदर जाके देख अलमारी में, सब कुछ साफ कर गई। अरे कुछ भी बोल रहे, दिमाग खराब हो गया। अरे क्या दिमाग खराब, अरे साली मेरी चेन भी ले गई। अरे भाई ये एसके सिंह रहते थे यहाँ पे। कौन एसके सिंह? वो मेजर साहब थे ना, वो परिवार के साथ रहते थे यहाँ पे। अरे वो तो चले गए, लगता है जगह ना पसंद आई होगी उन्हें।
पर आप कौन, रिश्तेदार हो क्या है? अरे दोस्त होंगे, अरे परिचित वाले हो क्या? अरे तो भाई साहब बुलाया क्यों, टाइम पास समझ रखा है क्या? रजा ना यार तू क्या? अरे कमाल है, खुद ही तो बुलाया तुमने, पागल, मैं तो मदद कर रहा था तेरी। ओए मददगार इधर आजा। उसने जो है ना ले ली हमारी, इसलिए पूछ रहे हैं, अब तू देगा क्या? अरे कमाल है भाई साहब, मुझे तो मदद के लिए बुलाया था आपने यहाँ पर। मददगार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बीमार है लगता है। अब पिएगा पेस्टिसाइड? हाँ चल बैठ गाड़ी में। मेरे घरवाली साथ किडनैप हो गई है। फोटो ला। अरे क्यों हो गया भाई? अरे फोटो दिखा, क्या सोचन लाग रहा ना है? अरे घरवाली की फोटो ना है तेरे पास? समझ गया भाई, समझ गया। अरे तारी घरवाली भाग ली अपने यार के साथ तन्ने लल्लू बना के। अरे अब वो ना आने वाली तारे यार है? और तू रिपोर्ट लिखा रहा है लल्लू से यहाँ आके। खलीफा बन रहा है क्या तू? है वर्दी पर एक तो घड़ा खलीफा बन रहा है। दोबारा ना आ जाइए चौकी में रिपोर्ट लिखाने अपनी बीबी की। चल रहा 500 लोग आए थे शादी में, किसी ने कोई फोटो ना खींची के? तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अरे कितनी बदनामी होगी पता है तुझे? फिर शादी भी ना करेगा कोई तेरे सबूत से? हाँ ना बताने से दुनिया ने पता ना चलेगा के? हाँ और किसी से पता चले ना चले, तेरे से तो कन्फर्म है। अरे लोगों को बताना कि बहू जो है वो मायके गई हुई है, समझ गई? और कुछ दिन बाद बोल देंगे मर गई, इसीलिए दूसरी शादी कर रहे हैं इसकी। हाँ भाई रॉबिन। अच्छा सुनो, दिल्ली के आसपास इलाकों में जैसे मेरठ, सोनीपत, गाजियाबाद, गुड़गांव बहुत सारी लूट हो रही है सेम स्टाइल में। कोई डॉली नाम की लड़की है, शादी करती है और अगले दिन सब कुछ लेकर फरार हो जाती है। किसी भी हाल में ये लड़की चाहिए, मैं चाहती हूँ ये केस तुम हैंडल करो। अरे मैडम का ये छोटे मोटे झमेले में हमें फंसा रही हैं आप? एक लड़की के लिए थाने थाने की धूल फांकेंगे हम? आप तुम भी ना यार रॉबिन। अच्छा ऐसा करो कि कुछ काबिल लोगों की जो टीम है उसे रेकमेंड करो, मुझे हर हाल में ये लड़की चाहिए। ठीक है जय हुकुम सिंह। सर तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी तक? नहीं सर। ये लो लुटेरी दुल्हन, ये केस तुम लीड करना। थैंक यू सर। लुटेरी दुल्हन? ये क्या बात कर रहे हैं जनाब, क्या बात कर रहे हैं? लॉन्डियों के केस इस नाबालिग को दे रहे हैं? हैंडल कर लेगा ये? बहुत काम किया सर के साथ, क्या अकेले हैंडल कर लूंगा। देखिए जनाब, देखने में कितनी भोली भरी लगती है, क्या क्या कांड किया इसने? शादी करती है और उसी रात सारा माल लेकर फरार हो जाती है। मैडम ये लुटेरी दुल्हन का केस इस टीम को हम लीड करना चाहते हैं। क्यों, थाने की नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? एक लड़की के लिए जिले जिले की धूल फांकोगे तुम? मैडम दुनिया भले ही भूसे का ढेर हो, डॉली कोई सुई नहीं है, दो मिनट में निकाल डालूंगा उसे। देखो आसमानी परी, सबको नचाइए है मीठी छुरी। ओ कमली ये देखो आसमानी परी, सबको नचाइए है मीठी छुरी।
आंख मार कर सब पे जोरा जोरी और खट्टी मीठी मीठी खट्टी पेपर मिंट की गोली धूम धड़ा के करती दिन पिए ही चढ़ती अल्लाह खैर करे मौला खैर करे जोगी कर जाए सूरत भोली बाबूजी पंद्रह लड़कियां और बीस अंकल करा और सुनो तीस ना आंटियां भिजवा दो हैं और रेट ठीक लगाना भाई आंटियां ऐसे करवा दो रईस भाई के मजा आ जावे भाई माहौल तो आंटियां बनाती हैं सर है? हजार रुपए में बहुत अच्छी हजार रुपए नहीं 600 रुपए दूंगा बस खत्म बात भाई 600 रुपए में आंटी मिल जाती है नैन मटके लटके छटके देखो इसके निकली सजके छूना ना इसे देखो बस इसे हंसेगी खेलेगी छूते ही उड़ जाएगी भुर से अजनबी सी है करीबी हम सफर भी पर फरे भी धूम धड़ा के करती बिन पिए ही चढ़ती अल्लाह खैर करे मौला खैर करे जोगी कर जाए सूरत भोली इबादत पर कजा भी ये मोहब्बत पर सजा भी ये जो चाहती है ले ही जाती है हंस के हंसा के नैनों से चुरा के ये जिंदगी ये जुनू भी ये नशा भी रूबरू भी गुमशुदा भी धूम धड़ा के करती बिन पिए ही चढ़ती अल्लाह खैर करे मौला खैर करे जोगी करे डोली की डोली चलते चलते लुट लेगी डोली की डोली 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 की डोली माँ के हाथ के लज्जत भरे आलू के पराठे गरम है अरे बहुत होटे अरे वाह आज फिर से आलू के पराठे बने हाँ अरे कभी मटन शटन भी बना लिया करो खुद ही बना ले दुबे जी मेरे अगली शादी में ना खान सामी को बोलना मेरे भाई के लिए ना स्पेशल मटन बना दे हाँ हाँ मटन शटन सब बनवा देंगे बाबू के लिए लेकिन बाबू का काम है दूल्हा लाना वो तो लाता नहीं है और ये बात इसके बूते की अब रही भी नहीं रंजीत खिल्लो इसी साल ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट क्यों शक्ल देखिए बंदे की पिद्दी का शोरबा लगता है अरे तुझे कहाँ जिंदगी भर पिद्दी का शोरबा खाना है एक आधी रात का तो सवाल है मुझे कुछ कहना है देखिए पार्टी के बारे में सारी रिसर्च मैं करता हूँ सारे रिश्ते भी मैं ही लेके आता हूँ मैं सब कुछ करूंगा लेकिन डॉली का भाई नहीं बनूंगा अरे क्या बात कर रहा है
इतनी सुंदर लड़की का भाई बनने को मिल रहा है और मना कर रहा। तो आप बन जाओ ना भाई। गुंचू कैसी बात कर रहा है ये? हैं? और क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी कर लूंगा, फोटोग्राफी कर लूंगा। ओ भाई क्या बोल रहा है, फोटोग्राफी करेगा? अरे मेरी ली हुई फोटो में किसी ने डोली को पहचान लिया ना, उस दिन से फोटोग्राफी करना छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। अरे अपना धंधा चौपट हो जाए। मैं डॉली का भाई नहीं बनूंगा। राजू, राजू, क्या बकवास है यार ये आदमी? क्या हुआ, कोई मर गया? हाँ। कौन? भाई मर गया। मत समझाया डॉली, तू जानती है तू समझाएगी और मैं मान जाऊंगा, पर कभी मुझे भी तो समझने की कोशिश कर यार। यार हो गया प्यार, क्या करूं, तेरा भाई नहीं बनूंगा, बस इतना ही कह रहा हूं ना, ज्यादा मांग रहा हूं क्या? जानता हूं तू मुझसे शादी नहीं करेगी, तुझे अमीर दूल्हों की आदत हो गई है ना, लेकिन बस एक बार मुझसे तू नकली शादी कर ले, पूरी जिंदगी तेरा भाई बनता रहूंगा, अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। तुझे पता है कि प्यार शार के लिए मैं बनी नहीं हूं। अरे तू ही मुझे जानता है, समझता है, अगर तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर है ना, ऐसे अंदर अंदर जाएगा ना। देख क्या है, गैंग में ना सिर्फ भाई की जगह खाली है। और तू पंगा मत किया कर यार, सबका मूड ऑफ हो जाता है फिर। कह तो रहा हूँ सॉरी यार, और मूड का कुछ नहीं है, एक रिश्ता लेके जाऊंगा, सबका मूड होगा। भाई टैंकर भर के सिलेक्शन की बधाइयां हो। क्या बात है? अरे तुझे क्या पता, अभी नौकरी मिली, उसमें भी रिश्वत देनी पड़ी इसको। दसो यार। ये तो बात सही है यार, चाचा जी के थ्रू लिंक मिला, 10 लाख रुपए दिए तब जाके तो मिली है नौकरी। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, नीली टी शर्ट में बैठा है ना, ये फंसेगा, परफेक्ट दूल्हा है डॉली का। तुक्केबाजी करने से ना कुछ नहीं होता, ये सब काम के लिए ना रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च। घर के लिए ना सुंदर लड़की हो लेकिन एकदम घरेलू होनी चाहिए, तुझे तो पता ही है मम्मी का यार। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन एक बात सुन, अभी क्या है शादी जैसे तुम्हारी डिसाइड हो जाए ना, सबसे पहले तू मुझसे दादाजी के नुस्खे सीख लियो। दादाजी के नुस्खे? अब सबसे पहले तू बादाम, अखरोट और शिलाजीत खाना शुरू कर दे कल से ही। उससे क्या होगा? अबे बादाम दिमाग के लिए और जो अखरोट जो है दिल के लिए, और शिलाजीत बताना पड़ेगा। उड़ती चिड़िया को देखकर उसका जेंडर, और लड़के को देखकर ये बता सकता हूँ कि कुमारा है या शादीशुदा। और अगर कुमारा है तो किसी से उसका अफेयर या चक्कर चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं चल रहा तो शादी के लिए कितना उतावला है और कैसी लड़की चाहिए, समझा? अजी रिश्ते तो आसमान में बनते हैं, जमीन पे तो निभाने पड़ते हैं। जमीन दुबे जी, जमीन। सुबह से आप एक ही डायलॉग पे अटके हुए हो। अब देखो, रिश्ते तो आसमान में बनते हैं, निभाने जमीन पे पड़ते हैं, ये कैसा है? क्या बात है, तैयारियां चल रही हैं, बहुत बढ़िया। क्या तैयारियां चल रही हैं? तुम्हारे पंगे की वजह से वो मेजर कुलवीर सिंह है आज से। भाई रिश्ते तो बहुत हैं दुनिया में, क्या बात है। हाँ तो लेके आओ ना, सिर्फ बकने से कुछ नहीं होने वाला। नाम मंजोत सिंह चड्ढा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सैलरी 60,000। वाह, मतलब 40 तो होगी। सुपर। उम्र 27 साल। कद 5 फीट 7 इंच। साला खुद देखने में एवरेज है पर लड़की खूबसूरत चाहिए। अरे लड़की तो ब्यूटीफुल है हमारी, बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन नौकरी ना करे। बेसिक बात यह है कि शादी अपने माँ बाप के पसंद की आज्ञाकारी सुंदर और सुशील लड़की से ही करेगा। तो डॉली जी बन जाओ सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी। ओ वाओ। ए, लेकिन डॉली इस बार डॉली नाम नहीं चलेगा। क्यों? अरे बहुत खबरें छप चुकी हैं न्यूज़पेपर में, एक्सपोज हो चुका है नाम। नहीं नहीं, डॉली मेरे लिए लकी है, अब तक फंसे हैं क्या नाम की वजह से। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी माधुरी चावला। और आप? भाई है मेरा। अच्छा आपके भाई हैं? नहीं नहीं, मेरा बेटा है। हाँ। मेरे से छोटा है। जुड़वा जुड़वा। नहीं नहीं, अंतर है 5 मिनट का अंतर है दोनों में। बेटी आपकी हाइट कितनी है? जी आंटी 5'9". बहुत लंबी है। नहीं आपकी जितनी? नहीं नहीं, तो बहुत ही लंबी है। कितनी लंबी लड़कियां होती हैं? नहीं होती। I like your sense of humor.
बहुत मजा किया। लीजिए। क्या करें मंजोते? जी, ये हमारा मंजोते जी। अच्छा। बचपन से ही टॉप आता रहा जी। हाँ। और शरीफ इतना है जी कि आज तक इसका कोई इश्क विश्क हुआ ही नहीं किसी लड़की से। मेरी बेटी बीए पास है और उसने बीआईटी का कोर्स भी किया हुआ है। इसका मतलब आपने कॉलेज में पढ़ाया बिटिया को? हाँ जी हाँ जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आजकल माता पिता लड़कियों को कॉलेज भेजते क्यों है? जे संस्कार देने के लिए और क्या। अजी काहे के संस्कार, लड़के होते हैं कॉलेजों में, वहाँ फैश फेयर हो जाते हैं, उनके बदतमीजियां शुरू हो जाती है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कराओ लड़की को घर बिठा के आराम से, कोई लफड़ा वफड़ा होता ही नहीं है। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत मजा आ गया है आप। वैसे एक बात कहूं जी? हाँ। आपका घर बहुत बढ़िया है। घर ना कहिए, कोठी है जी। और आप इंसिस्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं अपना घर दिखाती हूँ जी आपको। हाँ, कोठी है जी, 6 बेडरूम तो ऊपर ही है। अच्छा। नाल अटैच बाथरूम, उतने तो करने वाले नहीं है। अरे बेटा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मंजोत के साथ बैठिए, कुछ गपशप मारिए, हम अभी आते हैं। थैंक यू पापा, एंजॉय बेटा। जी, आपका कोई निकनेम वगैरह नहीं है? जी नहीं, माधुरी चावला। ओ, गुड नेम। व्हाट्स इन अ नेम? आपका कोई हीरो वाला नाम नहीं है, पर आप बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं। सो तो है। आप लेंगे? आपका कभी कोई अफेयर वगैरह नहीं रहा? क्यों, मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ क्या? नहीं नहीं, मतलब आजकल बड़ा कॉमन होता है ना सब, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। आपका कोई अफेयर नहीं हुआ? ओ नहीं नहीं, वो क्या है कि एक्चुअली बड़ी लड़कियां लाइक तो करती है मुझे, यू नो, इट्स वेरी कॉमन। बट पता है माधुरी, मैं फेसबुक पर एक फोटो लगा दूं ना, 15 से 17 लड़कियों के लाइक आते हैं। वैसे लव मैरिज इज नॉट अ बैड थिंग, बुरी चीज नहीं है। हाँ, पर अच्छी भी चीज नहीं है ना। आजकल शादी के पहले सब कुछ हो जाता है। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को जानने को होता है ना, जैसे मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। शादी के बाद समझो मंजोत हमारे हाथ से गया, फिर आप रहे ना ओल्ड एज होम में बुढ़ापा, वहीं बिताना। मैं तो निकल जाऊंगी पम्मी के यहाँ रहने के लिए। मैं कहती हूँ मना कर देते। बहुत बढ़िया जी। देखिए जी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे वगैरह वगैरह, पर 100 बात की एक बात है जी, कि आपकी बेटी जो है ना, हमारे बेटे से बहुत ज्यादा लंबी है। लंबी, लंबी? तो आप लंबी नहीं है अपने हस्बैंड से? तो इन्होंने आज घर के चपले पहने हुए, इसलिए छोटे लग रहे हैं। मम्मी लेकिन एक बार, तो चुप कर खोते तो पता, चुप। सॉरी, एक मिनट। हम लोग सोच विचार करके आपको फोन कर देंगे। और आजी सोचना विचारना कुछ नहीं लल्लू चुप्पू, मैं जानती नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि प्रीत विहार वाले जो रोड़ा साहब है ना, उनकी बेटी पिंकी, एक तो आपकी बेटी से कम सुंदर नहीं, ऊपर से लंबाई में बहुत कम है आपकी बेटी से। हमारे बेटे के साथ जचती है और ऊपर से अचार की फैक्ट्री है उनकी। मम्मी एक बार आपने कहा, अपने बेटे का अचार डालिए वो फैक्ट्री में और वो अचार पराठे के साथ खाइए। नहीं नहीं, ये देखो, ये घोंचू के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं करनी है। चलो बेटा, अभी मेरा पूत एक है। ओ आंटी जी, क्यों गुमान कर रही हो उस पे? ढोल है साला, रिश्वत दे के तो नौकरी लगी है, टॉप करता था, टॉप करता था। चल समोसा ना खाना, बासी है, 10 लग जाने। बैठे रहो अपने पचकैया रोटी सब। अरे छत पे ना सीलन आ गई है, छत गिर जाएगी। एक बार आप बात तो कर लेते मुझसे। तो चुप कर, खोते थे पुत्र, आशिक की 2 जैसी शक्ल बनाई है, कुड़ी वेखी नहीं की लट्टू, अंदर चल। ठीक है, ऐसा होता रहता है, कभी कभार कोई और मुर्गा मिल जाएगा। लड़कों की कमी है क्या इस देश? और देखना ये लड़का एक न एक। आराम से, क्या कर रही है डॉली? मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। उसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया यार? ओ यार, एक बुढ़िया के मना कर देने से तू रिजेक्ट माल नहीं हो जाती ना। मैं उस बुढ़िया की ना
ऐसी झंड करूंगी वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उस चिरकुट की पूरी डिटेल्स दे मुझे। यार डॉली डिटेल में कुछ खास तो ऐसा है नहीं। सुबह 9 बजे स्पेशल एसी बस पकड़ के शाहदरा से सीपी जाता है और शाम को 7 बजे वही एसी बस पकड़ के वापस आ जाता है। माधुरी, उस दिन के लिए I'm really sorry यार। अरे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं यार, मम्मी को ना आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? अच्छे हैं। एंड हाउ आर यू? परफेक्ट। कहीं बात फाइनल हुई? मम्मी ने ना अरोड़ा अंकल की बेटी पिंकी से मेरी शादी फिक्स कर दी है। ओके, I have a feeling, माधुरी, she's a good girl. अरे अच्छी होगी, पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं। आप अभी भी मेरे पेरेंट्स के बारे में अच्छा सोचते हो? I respect transparent people. उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी, I understand. थोड़ा बुरा लगा, but it's okay. आपकी मैरिज फिक्स हो गई? नहीं कहा, आप जैसा अच्छा लड़का थोड़ी मिला। मेरा बस स्टॉप आ गया, बेस्ट ऑफ लक। माधुरी? हाँ? माधुरी, तुम कॉफी पीती हो? कौन कहता है कि लड़कियां कॉफी नहीं पीती? तो मेरे साथ पियोगी? काम पे नहीं जाना? मेरे एक दिन काम पे ना जाने से कौन सा भारत बंद हो जाएगा? और वैसे भी मेरे पास 10 कैजुअलिटीज पड़ी है, मम्मी को नहीं पता, तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। आप फेसबुक पर नहीं हो ना? जो लोग सोशल नहीं होते वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होते हैं। मैं खूब सोशल हूँ। यार क्या कमाल की बंदी हो यार आप, आई मीन कितने विटी हो। पता है मुझे ना ऐसी लड़कियाँ पसंद है, लेकिन मेरे मम्मी ना थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं यार, पापा तक सरेंडर कर देते हैं। वो तो अगर वो ना कहते ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने आपसे शादी करनी थी गारंटी। उसके लिए अडल्ट होना पड़ता है, तुम्हारे जैसे बच्चे की बस की बात नहीं है। घर जाओ और मम्मी की गोद में बैठो। माधुरी मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो उस दिन कुछ कहते। तुम अब अडल्ट हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। बट ओए, तूने रोड़ा की बेटी से क्या कहा है? बोल। यही कि माधुरी मेरे लिए एकदम करेक्ट है, और आपसे भी कह रहा हूँ, मम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ यार, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा था वो लड़की कलेश कराएगी इस घर में, करा देता। मम्मी क्या कलेश कराएगी यार, बताना, मेरा दिल जानता है कि माधुरी एकदम सही है। फिट्टे और वैसे भी उस दिन जो आपने उसके साथ किया था ना, वो उसके बावजूद भी आपकी रिस्पेक्ट करती है। ब्याह करन दी, आग लगी ना तेरे दिल में है तो कर, जिसके साथ करना है कर, मैं नई साड़ी पाके आ जाऊंगी। खुश है तू हुन? खोते दा पुत्र, तेरे प्यो नु दसांगी तेरी सारी काली कर तुते। चिरकुट का फोन आ गया। हाँ उठा उठा। उठा ले, मना करने के लिए आया होगा। ऐसी हीरोइन तो है नहीं तू कि तेरे लिए कोई शादी तोड़ दे। हेलो। हाय। एक्चुअली आपको एक बात बतानी थी। क्या? वो अरोड़ा अंकल की बेटी पिंकी है ना, उससे मेरी शादी टूट गई। बहुत बुरा हुआ। बुरा तो हुआ, पर पता है मैंने ना मम्मी को कह दिया कि उससे ना एक बेटा लड़के जिससे मेरी शादी होनी चाहिए। और वो पता है कौन है? कौन? वो हो तुम। You are going to become Mrs. Chadda next month. Please tell uncle auntie, मेरा मतलब मम्मी पापा about it. We are about to get married. तो इस बात पर एक किस्सी तो बनती है ना बेबी? है ना? हेलो। मंजोत। किसी only, please. अगर आपने मुझे किसी नहीं दी ना, तो मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वैसी टाइप की हीरोइन नहीं हूँ ना। सर पक्की इन्फॉर्मेशन डॉली की, मैं बता रहा हूँ आपको, चिन्ना चतुर्वेदी शादी होने वाली है उसकी,
आई नो हिम वेरी वेल। मुबारक हो बेटा। नमस्ते। नमस्ते पेरी प्रणाम। जिंदा रहे। हाँ जी थोड़ा इस तरफ। थैंक यू। नमस्ते। मिल गया टाइम है भाई। इतना लेट आता कोई भाई की शादी में यार। तेरी शादी है यार, दो पैक तो बनते ना भाई, है ना? दोस्त है क्या? भाभी दी है यार तूने हमें, है भाई? जाके खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। खाऊंगा ना यार, और पीऊंगा भी। पहले तो भाभी को निगाहों से तो पी ले। एक तरफ उछल हट। अरे ये हटना यार। रेडी? एक मिनट। चीज अब मेरी बारी, मैं लूंगा। अरे नहीं नहीं सर, इससे लेते ना। अरे यार हमारे कैमरे से, भाभी है ना हमारी। अरे है? नहीं नहीं ठीक है। ए भाभी 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 भाई तू मेरी ले ले। अरे यार लेना तो ना। वाह भाभी टेंशन में लग रही है, है? अब भी टेंशन दूर करता हूँ। वेटर उसे फोटो लेने की क्या जरूरत है? अरे वो उसकी आदत है यार, वो ऐसे ही करता है हर बार। आई एम सॉरी लेकिन प्लीज ये लो। यार तू ना बड़ा डीट आदमी है। हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ। लीजी जी, थैंक यू। लीजी ना भाभी। अरे भाभी उधर क्या देख रही हैं? पंजाबियों की शादी है, दूल्हा दुल्हन अगर नहीं पिएंगे ना तो लीगल नहीं मानी जाएगी शादी। ये लीजिए। पी लूं मैं? हाँ हाँ पीजिए ना भाभी, पी लूं, उसमें क्या है। बेअक्कड़ भाऊ, मैं क्या सीना? भाई तलब हो गया खाना का। ए लिचड़ अश्विन, उन्हें शराब पिला रहा है और कंजरी पी जा रही है। हाय रब्बा मेरे पूत तंगी होएगा। चाहे पुलिस बुला ले आज पट्टे तक नचना, जो करना करा ले आज पट्टे तक नचना। चार ही घूंट में पूरी बोतल खींचूंगी। लाउड करा दे डीजे साउंड, मैं घूमूं तेरे ऑल अराउंड, मैं मस्ती में आज सारी रात नाचूंगी। वेस्ट ना आप चांस कर, मूड में आज आज डांस कर, शर्म की मटकी फोड़ दे, अब तो शराबत छोड़ दे। तूने गालियां दे रखी, मैंने दारू पी रखी, अरे बैठ चाहे पुलिस बुला ले आज पट्टे तक नचना, जो करना करा ले आज पट्टे तक नचना। मेरे मतलब एक जिज्ञासा थी मन में, अगर आप
अगर आप बोलो। थैंक यू सर। ये जो लौंडिया है ना डॉली, इसने आपके किसी सगे वाले का काटा है क्या? ये मिलने नहीं है, मिलने में सिर्फ जिज्ञासा है, बाकी की लाइन वो अपना ऐसा ही है ना, हुकम सिंह वो बोल रहा था मैडम के सामने। लो एक और टोस्टर, शहर में टोस्टरों पर डिस्काउंट लगा हुआ है। देख मंजोस कौन आया है। हाँ जी, अगले महीने गुप्ता जी की बेटी की शादी है, उसको टिका देंगे। हाँ जी, आप कौन? मैं डोली का अंकल हूँ, सोनू सरावत। डोली? पर ये तो माधुरी है। वो घर का नाम डोली है ना, वो बचपन में प्यार से डोली डोली कहा करते थे। और मैं ना बचपन में इससे वादा किया था कि मैं कहीं भी रहूं इसके शादी में जरूर आऊंगा, पर थोड़ा लेट हो गया है डोली, सॉरी बेटा। बचपन से? पर सर आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। पता से मेरी उम्र का ना पता चलता ना। है कौन ये? बोल तो रहा है कि रिश्तेदार है उसका। ऐसा कैसा रिश्तेदार? डोली क्या बात हो गई बेटा, गुस्सा है के? हैं? बचपन में तो सारा दिन गले लगा करती थी, गले ना लगेगी अंकल के? राजा गले तो लग जा अंकल के अपने आज। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तेरा बैंड बजाने आया हूँ। तू बता अकेले मरना कहीं सबके सामने बात करनी है। कौन है अंकल? पापा की साइड का कजिन है। ये कैसे हो सकता है? ये शरावत और तुम चावला। इनकी बीवी का सरनेम शरावत है ना, तो उन्होंने कहा कि सारी पत्नियां अपने पति का सरनेम रखती हैं, मैं अपनी पत्नी का सरनेम रखूंगा। डोले बेटा, और रात ना मेरे को एक ग्लास दूध दे दियो ना, जो रात ना दूध ना पियो ना तो सुबह रोने में दिक्कत हो जाती है ना जी। तो कहां जी फिर मेरा कमरा? कहां सोऊं मैं? ये आप राइट जाके पहले कमरा सामने। अच्छा, बहुत बढ़िया पालक था जी। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। इस बार क्या मिला इसमें? डोली तने क्यों किया है मेरे साथ? हैं? मैंने सबसे लड़के तेरे साथ शादी की और तू मने लूट के भाग गई। बीवियां तो दोनों ही लूटती हैं सोनू, जीवन भर साथ देने वाले भी और अगले दिन फरार होने वाले भी। वैसे भागने वाली बीवी थोड़ा सस्ते में ही चली जाती है ना? फिर अब क्या करेगी? अब तो तेरा खेल ही खत्म हो गया। एक काम कर डोली, जैसे सब जगह से भगती है ना, वैसे जहां से भी भाग जा, पर इस बार ना मेरे साथ भाग। चल देख, मैं 4 बजे का अलार्म लगा दूंगा, सब लोग सो रहे होंगे, और ना सो रहे होंगे तो तू सुला देगी उन्हें, हैं? सिर्फ तू और मैं, रानी बना के रखूंगा तने। 20, 30, 40 तो एक काम कर, फिर तू इस गलती की भरपाई ना अच्छी पत्नी बनके निभा दियो फिर, है? चल। सच्ची? आई लव यू। चार बजे आ जाओ फिर, ठीक है? अब जा, नहीं तो फिर शक हो जाएगा हम पे। थैंक यू डॉली। और सुन, वो 4:30 के बच्चे को छूने मत दियो। दूध मत पीना। डॉली, दिन से रिश्तेदारों के लाइन लगा दिए कुड़ी ने। ओहो, मेरी कोठी है, कोई धर्मशाला नहीं है। लो जी, मैडम आ गई। मैडम, जितनी जल्दी आपकी चढ़ी थी उतनी जल्दी उतर भी गई लगता है। तेनू पता है कैसे पागलों जैसी नाची है तू आज? हमारे घर में अलाउड नहीं फैमिली में ऐसे पागलों की तरह नाचना। किसी वो हाँ फटे तक नचना, फटे तक। छी जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, मैं कह रही थी आप मेरे गहने आपके गहनों के साथ अलमारी में संभाल के रखिए। ए? ए? टाइम ठीक नहीं है ना?
बिल्कुल। मम्मी जी आपके लिए दूध। हाय मैं मर जावा। सुन कुड़ी, जे मन होवे ते ना क्लासिकल तक ठीक है, पर फटे तक नहीं। हाँ डैडी जी आपके लिए भी दूध। जी पुत्र जी, खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मिल गया टाइम। अरे क्या करूं, अंकल इमोशनल हो रहे थे ना। और यहाँ पे मेरे इमोशंस का क्या? खैर आज मुझे इसकी बड़ी जरूरत थी। आज नहीं। क्यों? एक्चुअली मुझे आज लड़कियों वाला प्रॉब्लम है। माधुरी आज ही आनी थी ये प्रॉब्लम। कुरियर सर्विस है क्या कि फोन करके आएगा? नहीं सॉरी, लेकिन अब पक्का। पेंटी तो छोड़ दे, वो तेरे किस काम की? उस बुढ़िया ने मुझे रिजेक्ट कैसे किया? उसकी तो पहने हुए कपड़े भी निकाल के लेकर जाने। बेटा जान दे, सास दे, माफ कर दे उसे। ए! भूतनी के ओके डी ठीक से चला, ये शराब गिर रही है। अरे दुबे जी पंजाबी में क्यों बोल रहे हो यार? अब तो कैरेक्टर से बाहर निकलो। ओ ट्रक जा रहे हैं। की टाइम हो गया है। माधुरी एक कप चाय तो ला। मंजोत, शावर में सो गया कुत्ता। ओए मंजोत उठ, अरे उठ। माधुरी, माधुरी नहीं तेरी माँ। उठ कुत्ते, उफ। सर कर लिया। वैसे चार बार उठते हो हर रात को बाथरूम जाने के लिए, आज ही नहीं उठना था? देखो सब कुछ लेगी साथ में। अरे साड़ियां भी ले गई। साड़ियां तो साड़ियां, मेरी बड़ा पैंटी तक नहीं छोड़ी उस कमीनी ने। फिटाएंगी उसको सुकड़ी। ये क्यों नहीं ले गई? ये आपकी खटारा घड़ी क्यों छोड़ गई? ये भी ले जाती। मम्मी सब चिट्ठा खुल गया, सब समझ आ गया मुझे। क्या? वो जरूर अपने उस अंकल के साथ भागी होगी। है? यार होगा ना उसका। ये कह रहे अंकलों के साथ। अंकल जी रखी कर। हाँ बे, तेरी त्वचा से तेरी उम्र का पता नहीं लगता है। ऐसे तमाचे पड़ेंगे ना जब सारी त्वचा बाहर आ जाएगी, समझा? अरे मैंने नहीं बेरा डोली कहा। अरे ऐसे नहीं मानेगा ये। जब तक तेरे पिछवाड़े पर पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू नहीं उगलने वाला। मैं कह जी पुलिस को फोन लगाओ। हाँ। लो आंटी आप पुलिस को बुला लो। तेरी परमिशन नहीं चाहिए हमें। ओहो फोन लगा भी लो, तकलीफ दे दो अपनी उंगलियों को, कुछ तो कर लिया करो। अरे मेरी बात तो सुन ले। चुप हो जा तू। हेलो लाजपत नगर पुलिस थाना। ओहो चोर ये, आप नहीं डरो नहीं, जोर से बोलो। हेलो लाजपत नगर पुलिस थाना जी। कब से है तू डोली गैंग में? अरे किसी गैंग वैंग में ना हूं मैं, गन्ना किसान हूं मैं। अभी पीछे 20 लाख गन्ना बेचा है मैंने, हर पार्षद का भी जाना लौट चुका हूं, समझ रहा है? तो हल्के मत ले लियो बे। बे बोलना तेरे बाप को और हमको कहना जी। क्या कहना?
जी सर, ये लड़का सही बोल रहा है, ये गन्ना किसान है। अबे श्योर हो क्या? जी मैं भाई ना हूं उसका, घरवाली हूं मेरी, शादी हुई है उसकी मेरे साथ। सर लौंडे डिटेल निकाली पूरी, सोनीपत का रहने वाला है, इसका नाम है सोनू शेरावत। सोनू गन्ना किसान है लोग वहां पर, रमेश शेरावत इसके बाप का नाम। He is not involved. हाँ और साले कैसी रही स्वागरात? अबे घंटा रही। ये गुस्सा में चढ़ा, तेरे को आराम से करता हूँ बाद में। क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्या भाभी को? अबे यार घोड़ू तेरे दिमाग में समझ नहीं आती एक बार है? सब कुछ लेके भागी, हाथ भी नहीं लगाने दे उसने मुझे। पूरी की पूरी गैंग थी, लुटेरी दुल्हन है रामजादी। क्या क्या? अबे फोन मत कर यार, दिमाग ना खराब कर पाए। इस वक्त दिल्ली के लाजपत नगर से बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, लुटेरी दुल्हन जिसने कल रात लाजपत नगर में भव्य रूप से शादी की और सुबह होने से पहले सारा सामान लपेटा और लापता हो गई है। मोहब्बत के छाते खाती है जीवन भर निभाने की कसमें, फिर उसके बाद कर देती है रिश्तों को तार तार। इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, इसके पीछे छुपी एक खतरनाक लुटेरन। कभी जूही तो कभी विद्या, कभी माधुरी तो कभी डॉली, किसी भी नाम से आपके सामने आ सकती है ये लुटेरी दुल्हन। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे, जाइएगा नहीं। मंजोत की शादी में अगर हम सब ने अपना काम ढंग से किया होता ना तो ये नौबत नहीं आती। सब कुछ खत्म हो गया, पूरा धंधा चौपट हो गया, हमारा बर्बाद हो गया हम लोग। आप कैसे बर्बाद हो गए? बर्बाद तो मैं हो गई हूँ। अब दूसरी लड़की के साथ नया धंधा फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरा क्या, चेहरा तो मेरा है टीवी पे, आप सबका चेहरा नहीं है। अरे क्या ये मेरा आप लगा रखा है? ये सिचुएशन में से बचेंगे कैसे, ये सोचो। कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म। डॉली तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम कहीं जाके शादी कर लेंगे। चुप रहे यार, पागल हो गया क्या तू? शादी शादी शादी। अरे यार पुलिस आ रही है, एक तो पहले ही ट्रक वाले को पकड़ लिया है। चलो चलो जल्दी करो यार, इब्राहिम वेट कर रहा है टिकट लेके स्टेशन पे। चलो एक मिनट, एक जनाब, डॉली गैंग के सबसे सीनियर एक्सपीरियंस्ड मेंबर अब हमारे कब्जे में। उदयपुर में व्यवस्था होगी ना? हाँ हाँ हो जाएगी। हाँ हमारा खुद का घर है वहाँ पर। और क्या? हाँ तो ठीक है। उदयपुर में हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। क्यों? अंडरग्राउंड हो जाएंगे पहले, समझे? और जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी वही करेंगे जो करते आए, है ना? और आता भी क्या है हमें, और थोड़े पैसे होते ना हमारे पास। राजू के दिए हुए कंगन से 1,00,000 तो मिल सकता है। आइला नहीं मिलेंगे। क्यों? नकली है ये आशिक, गिफ्ट भी नकली। कंगन नकली हो तो क्या हुआ, इश्क तो असली है। शिट। दादी 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 बता कहाँ कहाँ ठिकाने हैं तेरे? बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। अबे यूज़लेस, तू अपना परलोक और अपना बुढ़ापा खराब मत कर, बड़े बड़े मेरे सामने फटाफट बोल देते हैं। चल बता तेरे ठिकाने कहाँ कहाँ हैं? बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। पता है मुझे मालूम है, पेस्ट्री खाइए ना। सब कुछ नहीं दिया। हाँ? अरे
दी थी, लेकिन किस किस को दी? बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। चुप! बस यार, मर पड़ा। जूस। बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब तो इनकी बेटी लेकर सब कुछ ले नहीं दिया ना, तो मेरा भी नाम रॉबर्ट सिंह नहीं। भाई चीयर्स। किस बात का चीयर्स? बात तो तेरी सही है यार, साला 36 में से 35 गुण मिल गए थे। तेरे भी 35 मिल गए थे और क्या यार, तेरे को क्या लगता है मम्मी से ऐसी लड़ूंगा उसके लिए? भाई एक बात बता, सुहागरात वाली रात उसने तुझे छूने दिया था ना? तू के मेरा साडू लग रहा था ना, बताऊं? नहीं भाई, मतलब है? उसने ऐसे तो नहीं बोला था ना कि उसे कोई लड़कियों वाली प्रॉब्लम है कुछ, मतलब छूने दिया था ना? हाँ। सब कुछ करने दिया था। फिर क्या हुआ? और क्या, फिर हनीमून डिसाइड हो लिया था, तब कितने जूनियर सोनू सोनी आएंगे सब सब डिसाइड हो गया था। पर साली ने बीच मजदार छोड़ दिया। लगाली मत दे। क्यों? अब बोल रहा हूँ ना, गाली मत दे उसको। भाई नहीं देता यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा तुझे हर्ट करना? भाई एक बात और पूछ लूं। पूछ ले, और उसके बारे में मत पूछ लो। भाई हमारा रिश्ता क्या हुआ? मैं ना एक मिनट वॉशरूम में जाता हूँ। भाई एक लार्ज ना और रख दो उधर। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। यार ऐसा कर, एक 10 समोसे और आधा किलो जलेबी लगा दे यार। अच्छा। और काम कैसा है भाई? बहुत बढ़िया चल रहा है, और लाल चटनी कर दी। राजा साहेब कुंवर का करवाएंगे बिना दहेज के आदर्श विवाह। ये पूरा राजमहल उठा के लेके आया। कुंवर आदित्य राजा साहब के इकलौते बेटे हैं और 3 महीने पहले ही फॉरेन से आए। हाँ तो ये तो अच्छा ही है ना, अगर अभी बाहर से आए तो डॉली को पहचानते नहीं होंगे। तू पहले ही दिन भागियो मत, ठीक है? पहले मुआयना कर लेना कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है, और जिस दिन चाबी मिले ना उसके अगले दिन निकल जाना पटरानी हवा खुली। हाँ। और सुन, पटरानी बन के हमको भूल मत जाना डॉली। माँ जी, डॉली सिर्फ दूल्हों को भूलती है। क्या बात है, काश मैं तुम्हारा सचमुच बाबूजी होता। अच्छा ये बताओ कुंवर जी दिखते कैसे हैं? गणी कुंवर साह। नमस्ते। कुंवर साह, ये मेरा बेटा है जगदीश। नमस्ते जी। ये मेरी धर्मपत्नी है अंबिका। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी बेटी है भाग्यश्री। नमस्ते। बैठिए प्लीज। धन्यवाद। कमाल की फैमिली है आपकी जी। कोई नहीं कह सकता कि आप और अंबिका जी भाग्यश्री जी के माता पिता हैं, और जगदीश जी इनके सगे भाई। सबका रूप रंग चेहरा मोरा सब एक दूसरे से अलग है। बस आप ये समझ लीजिए कि देवी माँ ने एक उपवन में सब तरह के फूल खिलाए हैं। वाह क्या बात है। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ जी। जिस इश्तेहार को पढ़ के आप सब यहाँ पधारे हैं, उसे देने के पीछे खास मकसद था हमारा। कैसा मकसद कुंवर साहब? असल में बात यह है मेरे पॉसिबल साले साहब जी, कि लड़की तो हमें एक जोड़ी साड़ी में ही चाहिए जी जी। पर लड़की भी ऐसी चाहिए जो हमें भी एक जोड़ी कपड़े में एक्सेप्ट कर सके, और वो भी दिल से। इसी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं डैड का कुछ नहीं रखने वाला हूँ, जो भी करना है
अपने आप करना है, अपने खुद के दम पे करना है। अब आप बताइए क्या आप करना चाहेंगे ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी? जी मुझे कोई आपत्ति नहीं। सो लेट मी गेट दिस राइट, तो आप करना चाहेंगे ऐसे लड़के से शादी जो टेक्निकली अब भी प्रिंस है लेकिन एक्चुअली है नहीं? जैसे आप रहेंगे अगर मुझे वैसे रखेंगे, भूखे तो दोनों भूखे, खाए तो दोनों खाए, जरूर करूंगी। ये तो एग्जाम डिस्टिंक्शन से पास कर चुकी है मैनेजर साहब, हमें लड़की पसंद है। क्या और कोई एग्जाम है? जी एक छोटा सा एग्जाम और है, पर उसके पहले एक सरप्राइज है। बराती को गाड़ी में चलो। काश जैसे आपने कहा आप वैसे होते, कसम से तब तो फिर खैर ले जाइए ना। ठीक है जी। मगर जरा प्यार से। हाँ जी। इन्हें हमारी गाड़ी में बिठाना। जी साहब। वहीं पूछताछ शुरू करेंगे इनकी। ठीक है जी। शुक्रिया कुंवर साहब। खैर अब आप भी ब्याह मना लीजिए। एक बात बताओ, तुम्हें पता था ये लोग यहाँ जरूर आएंगे? कुंवर साहब शक्कर जहाँ चीटी वहाँ। तुम श्योर हो ना कि ये वही लड़की है? कहीं गलती से किसी इनोसेंट को? कुंवर साहब आप भी बोल्ड हो गए? नहीं यार बोल्ड नहीं, क्लीन बोल्ड। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुँह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। सपने तेरे धड़के तू ही बता, अब तुझे पाके जाएं कहां हम,
तेरे पास राखे, तेरी वजह से, तेरी वजह से मुँह फेर बैठे अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। क्या हो गई तू? कुछ पूछने की तुम्हारी औकात नहीं रही। बहुत बढ़िया काम कर रही है ना तू, इससे घटिया काम नहीं मिला कर देखो। अगर दुबे जी और ये लोग मुझे नहीं मिलते ना तो मुझे धंधा करना पड़ता। चिल्लाने से कोई मर्द नहीं बनता, अगर तुम मर्द होते ना तो उस दिन आते। अरे नहीं आ पाया यार, एक पल की बात है, नहीं जुटा पाया हिम्मत। बाप ने जब हाथ पकड़ के रोक लिया ना तब जाके समझ में आया तेरे साथ भाग कर ब्याह करना कितना बड़ा फैसला था, और मैं बहुत छोटा था यार। उस पल की सजा अब तक दे रहा हूं अपने आप को, बाप मरा तो आग तक नहीं देने गया मैं। हो गया तुम्हारा? जाके बोल। हाँ। अरे मैं नहीं, आप बोल रहे हो। बड़े बोलना, यंग है तू, बोल जा, बोल, बुला उसको। मैं बोलूं? हाँ बोल, हाँ, बोल।, बोल। सर, सर एक मिनट, एक कुछ बात करनी सर, सर एक मिनट। सर प्लीज। आया आया आया। बोलो। सर सर हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। हाँ। सर दूल्हे यही फंसाती थी, दूध में नशीली दवा मिलाकर यही पिलाती थी सर। और सर सामान लेके भी यही भागती थी, हम लोगों को थोड़ा सा पैसा मिलता था सर, हम इसलिए साथ में जाते थे बस। हाँ सर। अरे बोलो ना दुबे जी, अब खड़े क्यों? आई सही बोल रहा है सर, ये सब कुछ सारा कांड इसी ने किया है सर। ये तुम्हारी फैमिली? ये सही कह रहे हैं, सब मैंने ही किया है, सारी गलती मेरी है, दूल्हे मैंने फंसाए हैं, सारी शादियां मैंने की है, सारा सामान लेके मैं ही भागी हूं, ये तो बेकसूर है, इन्हें जाने दो। देखा सर, सर मैंने कहा था ना सर, एब्सोल्यूट। एक सेकंड, एक सेकंड। या सर पहले हमारा केस। हवलदार काला कांडी है यार। एक जिज्ञासा है। बड़ो खान साहब, सर कॉन्फ्रेंस में ये सब इन्वॉल्व है, हाउ लेट गो? आई टू नो। अरे खान साहब, जब मेन कल्प्रिट बोल रही है कि इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है तो फिर केस नहीं बनता, जाने दो उन्हें, भगा दे, छोड़ दो उन्हें। राजू इधर आ। क्या? इधर आ। ये तेरी तरह नकली है। सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे ये घटिया थोबड़े सही सलामत रहें तो दोबारा कभी ये थोबड़े दिखाना मत, समझे? समझे? चलो। और सुनो, दादी को वृद्धाश्रम से लेते हुए जाना।
बेचारी अब तक वहां बेटी देती सब कुछ दे दिया कर रही है। मैडम कन्फेशन साइन कर देंगी? साइन। वो मम्मी पापा से मिलती हो तुम? क्या तुम लोग जानते हो क्या एक दूसरे को? तुझे क्या लगा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं? पर हमारी तो लगा दी ना इसने, मेरे तो पैसे और इज्जत दोनों का फलूदा बना दिया। पैसे और इज्जत की बात ना है, प्यार में धोखा दिया इसने। सर इस लड़की की वजह से मैं अपने मम्मी से लड़ा है, और इसी लड़की की वजह से अरोड़ा अंकल की बेटी पिंकी के साथ। पंचायत देखो, इसने जो कुछ भी किया है ना उसकी सजा इसको मिलेगी, ठीक है? घंटा मिलेगी। तेरी जैसी घटिया लड़की ना यही कर सकती है बस। हाँ मैं घटिया लड़की हूँ, तुम तो बहुत अच्छे और सीधे हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है, थोड़ी सी पोजीशन है, और इस काबिलियत के वजह से दुनिया की तमाम लड़कियां तुम पर मर मिट जाएगी। तुम में से किसी को भी छोड़ के ना मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं आया। मुझे इस जेल में तुम्हारी शादी की जेल से ज्यादा आजादी महसूस होती है। हंसा सर, इनकी रिकवरी करो और दफा करो यहां से। आओ कमन। देख भाई, सब समझ आ रहा है मैंने। तो डोली का पहला प्रेमी है ना, है धोखा तने किया उसके साथ और भुगत हम सब रहे उस चक्कर में। और तने जो किया ना डोली के साथ, मार्क्सम उसके अंदर तने बीच में से फाड़ सकूं मैं और कोई कुछ ना कर पाओगा, समझ रहा है? देख भाई, एक मौका और मिला है, गलती सुधार ले। अच्छी लड़की है ये। भाई अब तू मेरा देख। भाई सुन, मेरे को सिर्फ रिकवरी नहीं चाहिए। अच्छा फिर? मेरे को तो डॉली भी चाहिए। डॉली भी चाहिए? साड़ा हक इथे रख, ओके? और भाई घूर के रहे, मेरे कजन अंकल ना दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं, मिलाऊं फोन? नहीं नहीं, दिलाते तेरे को डॉली भी। आजा चल, डॉली देते तेरे को। भाई बहुत मारा यार सालू ने, साला इसके चक्कर में पिटे लुटे सब चीज हुई, मगर डॉली अगर एक बार दे देती ना भाई तो साला किसी चीज का मलाल ना रहता सच। भाई क्या कर, अबे भाई पागल हो गया क्या? भाई क्या हो गया? डॉली का कुछ पता चला? मैडम सर्च ऑपरेशन जारी है, क्लू से पता चला कि नेपाल की तरफ गई है। अरे जल्दी करो यार रॉबी, हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट रही है। और सुनो, मुझे उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट चाहिए, समझे? जी जय हिंद मैडम। चलिए सॉरी लेट हो गए। आप दोनों की शादी करानी है? जी। आपका नाम? जी डॉली। प्रिया। ओके। ये लीजिए इनका आईडी, इससे हो जाएगा कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, वीजा नहीं, इससे हो जाएगा, हो जाएगा। इसे रखिए और यहाँ
सिग्नेचर कर दीजिए। और आपके गवाह मैं हूं। ओके आपका ब्लड रिलेशन है इनसे? आप टेस्ट करा लीजिए। नहीं 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 थैंक यू। और आपके गवाह? जी मेरा कोई है नहीं, गवाह कहां से लाऊं? शादी मुबारक हो। थैंक यू। और आपको? थैंक यू। शादी मुबारक हो। थैंक यू। एक सेकंड कम। थैंक यू। वेलकम। सब कैसे हैं? एक गिफ्ट है आपके लिए। अरे खान साहब अब इसकी क्या जरूरत? अरे प्लीज लीजिए सही। तनख्वाह बढ़ गई आपकी लगता है? नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी जनाब। अरे लेकिन डॉडी की पूरी पूरी फाइल उठा के ले। अरे सरकार, दिल्ली पुलिस को मैंने अपने जीवन के इतने साल दिए हैं, उनसे भी तो कुछ लेना बनता है मेरा, है कि नहीं? I'm sorry, डॉली। मैं पता नहीं क्या सोचता था, तुम्हारे पास रहने के नशे में कभी खुद को ठीक से आईने में देखा ही नहीं। तुम्हारे लिए यही ठीक है। आखिर डॉली के भाई होने का फर्ज निभा लिया तुमने। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था डॉली। चले मिसेज रॉबिन सिंह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लान क्या आज? प्लान? भाई वैसे तो प्लान है थाने जाने का, पर तू क्या तो छुट्टी भी मार सकते हैं। और हनीमून का प्लान? हनीमून? भाई किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर तेरे दूल्हे ना हो। फिर तो विदेश ही जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक किसी इटालियन को मैंने अब तक फंसाया है। अच्छा इटालियन। भाई एक काम कर, फ्रिज में ना बैंगड़ पड़ा है। अच्छा। उस बैंगड़ का ना इटालियन स्टाइल का एक भरता बना दे, पसंद आए तो लेके चलूंगा इटली। मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं खुद बना लेता हूँ बैंगन। डॉली अरे मेरा तौलिया देना। डॉली डॉली अरे मैं क्यों चिल्ला रहे हो? इटालियन भरता बना। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो काम के लिए लेट हो जाओगे। आए हाय। डॉली अरे उदयपुर से कुंवर साहब की शादी का इनविटेशन आया है, चलना है? मदद करी थी उन्होंने हमारी। डॉली डियर रॉबिन सॉरी, इटालियन भरते की जगह दाल बना दी। वैसे भी भरता बनाने के लिए बैंगन नहीं दूल्हे ज्यादा सही होते हैं मेरे लिए। तुमने पकड़ते वक्त मुझसे पूछा था कि मैं क्यों ये सब करती हूँ। मेरे हर छोड़े गए दूल्हे का मुझसे यही एक सवाल होता है। एक बात बताओ, तुम पुलिस इंस्पेक्टर क्यों हो? डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं? सब्जी वाला सब्जी ही क्यों बेचता है, शराब क्यों नहीं बेचता? असल में लोग जो करते हैं वे वही कर सकते हैं, जो वे हो सकते हैं वही वे होते हैं। सो डॉली के डॉली होने का गिल्ट तुम मत पालो। तुम ना मेरी लाइफ का रीजन हो ना एक्सक्यूज। डॉली होगी कभी एक भोली भाली लड़की, अब वो एक एक्सप्रेस हो गई है। डॉली एक्सप्रेस ने अपनी स्पीड पकड़ ली है, उसे रोका नहीं जा सकता। तुम भी कोशिश मत करना। और आखिरी बात, हिसाब बराबर। दीदी?
टिकट प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई साहब, अपन तो हम चेन्नई क्यों जा रहे, मुंबई क्यों नहीं? मुंबई में ऐसी क्या है जो चेन्नई में नहीं है? इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान भाई। ए भाई होगा तेरा, मेरा तो प्रेम रतन है। क्यों दादी? बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया।